हाँ जी, गुरु स्टडी पॉइंट ते आप जी का स्वागत है जी। सो कच्चे मुलाजमान नूं पक्के करन संबंधी नवी खबर लैके आए हैं जी। पंजाब दे प्रिंट मीडिया दे आधार ते खबर चल रही है भी पंजाब दी कैबिनेट दी मीटिंग है जी 21 अक्तूबर दे दिन। सो यह प्रिंट मीडिया वालों खबर है जी, कच्चे मुलाजमान लई हो सकता है बड़ा फैसला। सोशल मीडिया ते वायरल खबर चल रही हैगी, प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया वालों यह दिती गई खबर है जी, जिहदा मतलब आपां कह सकते हैं अंदरूनी तौर पर बयानबाजी हुंदी है जां अंदरूनी तौर पर जानकारी लई हुंदी हैगी, इहनू मतलब आपां कच्ची गल नहीं कह सकते। सो पंजाब कैबिनेट दी 21 अक्तूबर नूं मीटिंग होण जा रही है, जिहदे विच कच्चे मुलाजमान लई हो सकदा है वड्डा ऐलान, मतलब प्रिंट मीडिया वालों यह खबर दिती गई है। सो हो भी सकता है क्योंकि 8736 जड़े कच्चे मुलाजम ने उन्हां नूं पक्के करन दा ऐलान फिलहाल हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है, पर जड़े बहुत सारे मुलाजम रहिंदे ने ठेका आधारित मुलाजम ने जिन्हां दियां बहुत सारियां मतलब जथेबंदियां एकत्र हो के संघर्ष भी कर रहियां ने, जो मीटिंगां भी कर रहियां ने सरकार दे नाल। सो अध्यापक वर्ग दे विच भी बहुत सारे कच्चे अध्यापक हले रहिंदे नेगे। सो इन्हां बारे च सरकार ने स्पष्ट रूप दे विच बयान भी दिता भी असी एक भी कच्चा मुलाजम है जिहड़ा पंजाब दे विच रहण नहीं देना, 36,000 दे करीब मुलाजम ने जिहड़े वो पक्के करने ही करने ने। हो सकदा जिहड़ा 8736 जिहड़े अध्यापक पक्के करन दा नोटिफिकेशन जारी होया इन्हां दे फाइनल टच हुंदे हुंदे जिहड़े बाकी मुलाजम हैगे ने लगभग 28,000 रहिंदे ने, उन्हां दा भी जिहड़ा फैसला हो जल्द लिया जा सके ते सारिआं नूं एक मतलब इकट्ठे ढांचे दे विच जां इकट्ठे इक्को दम जां इक समें दे विच मतलब रेगुलर तौर पर परमानेंट तौर पर ज्वाइन करवाया जा सके। पूरी खबर कर पढ़ते हैं पंजाब नेटवर्क चंडीगढ़ तो प्रिंट मीडिया की खबर है जी, पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग 21 अक्तूबर 2022 के दिन शुक्रवार को होने जा रही है। इस मीटिंग में कच्चे मुलाजमान लिए वड्डा फैसला हो सकता गा। इस तो पहला सरकार कच्चे अध्यापकों पक्के कर चुकी है पर ठेका मुलाजम और कच्चे मुलाजम पक्के होने की उड़ीक कर रहे हैं। सो वड्डी गिनती दे विच 28,000 की गिनती दे विच इह मुलाजम हले भी कच्चे ने ते इह उड़ीक कर रहे ने। इत्थे दसना बनता है कि कच्चे मुलाजम ठेका मुलाजम पक्के होने लई वख-वख जगावां ते अपने हक लई प्रदर्शन कर रहे हैं। सो यह मतलब इत्थे यह भी नोट करा दिता गया भी जिहड़े मुलाजम रहिंदे ने लगभग 28,000 दे तौर ते, चाहे वह कच्चे मुलाजम ने चाहे वह ठेका आधारित मुलाजम ने, जिन्हां दे विच कच्चे अध्यापक भी नेगे जिन्हां दी गिनती 6,000 लगभग 6,000 बनती है, 6,6500 बनती है, वह सारे प्रदर्शन कर रहे हैं ते सरकार नूं अपनी अपनी पहुँच के तहत मिल रहे हैं। ते सरकार दा जिहड़ा हैगा मुख्यमंत्री पंजाब सरदार सीएम भगवंत मान जी ने, जिहड़े सीएम ने पंजाब दे, उन्हां वल्लों मतलब स्पष्ट रूप दे विच बयान भी दिते गए ने भी असी कोई भी मुलाजम है जिहड़ा हो कच्चा नहीं छड्डना, पंजाब दे विच एक बारी शुरुआत कर ली है कि 10 साला पॉलिसी के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिता गा जिहदा फाइनल जिहड़ा टच है वह देने वाला रहिंदा ते मुलाजमान नूं पक्के रूप दे विच परमानेंट रूप दे विच ज्वाइन करवाउण तों हजे मतलब एक कदम पिछे हैगी सरकार। हो सकदा उहनां दे नाल नाल इह फैसला जिहड़ा उह वी जल्दी आ जाए। सो 21 तरीक नूं मीटिंग होनी है जी, ये मतलब आ चुक्या लैटर, सारे तुसीं इहनूं पढ़ चुके हो, 21 तरीक का लैटर हैगा जिहड़ा। सो पंजाब दे विच इह कयास राइयां भी चल रहियां ने भी जिहड़े 8736 कच्चे मुलाजमान नूं कच्चे अध्यापकों नूं पक्के करन दा नोटिफिकेशन जारी होया ते उदू बाद उहनां दी कोई भी अगे स्टैप नहीं लिया गया, उन्हां दी कोई भी अगे कार्रवाई नहीं हुई जां उन्हां नूं अगे नहीं वधाया गया, तां सरकार उन्हां दे नाल नाल जिहड़े अदर रहिंदे मुलाजम ने उन्हां दे बारे दे विच भी डिसीजन लै चुकी आ, क्योंकि पंजाब दी कैबिनेट सब कमेटी बनी सी जिहड़ी जिहदे चेयरमैन परसन सीगे सरदार हरपाल सिंह चीमा, वित्त मंत्री पंजाब जिन्हां दे नाल मीत हेयर ते हरजोत सिंह बैंस सिक्ख्या मंत्री पंजाब, इन्हां तिन्नां ते होर इन्हां दे नाल ऑफिसर साहिबान अते कानूनी माहर सी, इन्हां ने तिन्नां ने सारा खरड़ा हैगा जिहड़ा कानूनी माहरां ने सारे ऑलरेडी 36,000 मुलाजमान नूं पक्के करन दे संबंधी विच तैयार कर लिया है पहले ही, जिहदी एक टर्म जिहड़ी एक मतलब स्टैप है जिहड़ा उह 8736 10 साला पॉलिसी दे तहत पक्के होण जा रहे एजुकेशन डिपार्टमेंट दे कच्चे अध्यापकां ते लागू कर दिता ते उहनां नूं पक्के रूप दे विच जां परमानेंट रूप दे विच जल्द ही उहनां दा वी जिहड़ा हैगा पोर्टल वगैरह ओपन हो जाऊगा ते ज्वाइन करवाया जाऊगा। ते इहदे नाल नाल मेरे ख्याल दे विच इह कयास राइयां चल रहियां ने भी जिहड़े मुलाजम रहिंदे ने लगभग 28,000 दे तहत उहनां दा वी जिहड़ा हैगा कोई प्रोसैस है जिहड़ा कोई खरड़ा तैयार कीता जिहड़ा कोई उहनां नूं रैगूलर करन दा जिहड़ा फ्रेमवर्क कीता गा फ्रेम बनाया गा ढांचा तैयार कीता उहनूं पेश करेगी सरकार 21 अक्तूबर नूं। सो इह कयास राइयां कह सकदे हां प्रिंट मीडिया की खबर तुहाडे सामने हैगी।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇਗੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ 6,500-7,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ EGS AI ST R ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।